नाभि कुदरत की एक अद्भुत देन है। एक 62 वर्ष के बुजुर्ग को अचानक बाई आंख से कम दिखना शुरू हो गया, खासकर रात को नजर न के बराबर होने लगी। जांच करने से यह निष्कर्ष निकला कि उनकी आंखें ठीक है, परंतु बाई आंख की रक्त नलियां सूख रही हैं। रिपोर्ट में यह सामने आया, अब वो जीवन भर नहीं देख पाएंगे। हमारा शरीर परमात्मा की अद्भुत देन है। गर्भ की उत्पत्ति नाभि के पीछे होती है और माता के साथ जुड़ी हुई नाड़ी से पोषण मिलता है, और इसलिए मृत्यु के 3 घंटे तक नाभि गर्म रहती है। गर्भधारण के 9 महीने यानी कि 270 दिन बाद एक संपूर्ण बाल स्वरूप बनता है। नाभि के द्वारा सभी नसों का जुड़ाव गर्भ के साथ होता है, इसीलिए नाभि एक अद्भुत भाग है। नाभि के पीछे की ओर पेचुटी या नेवल बटन होता है, जिसमें 72,000 से भी अधिक रक्त धमनियां स्थित होती हैं। नाभि में गाय का शुद्ध घी या तेल लगाने से बहुत सारी शारीरिक दुर्बलता का उपाय हो सकता है। सबसे पहले आंखों का शुष्क हो जाना, नजर कमजोर हो जाना, चमकदार त्वचा और बालों के लिए उपाय बताता हूँ। आपको सिर्फ सोने से पहले 3 से 7 बूंदे शुद्ध घी और नारियल के तेल नाभि में डालना है और नाभि के आसपास 1.5 इंच की गोलाई तक फैलाना है। अगला उपाय बताते हैं घुटने के दर्द के लिए। सोने से पहले 3 से 7 बूंद अरंडी का तेल नाभि में डालना है और उसके आसपास 1.5 इंच तक फैला देना है। अगला उपाय बताते हैं आपको शरीर में कंपन, जोड़ों में दर्द या शुष्क त्वचा के लिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि रात को सोने से पहले 3 से 7 बूंद राई या सरसों की तेल नाभि में डालनी है और चारों ओर 1.5 इंच तक फैला देना है। अब मैं आपको बताता हूँ मुंह और गाल पर होने वाले पिंपल के लिए क्या उपाय हो सकता है। नीम का तेल 3 से 7 बूंद नाभि में डालना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि नाभि में तेल डालने का क्या कारण है, क्योंकि हमारी नाभि से कई सारी रक्तवाहिनी जुड़ी हुई होती है। अगर हम नाभि में तेल डालेंगे तो जो रक्तवाहिनी शुष्क हो रही होती है वह शुष्क होना बंद हो जाती है। जब बालक छोटा होता है उसका पेट दुखता है, तब हम उसे हींग और पानी या तेल का मिश्रण उसके पेट और नाभि के आसपास लगाते हैं और उसका दर्द तुरंत गायब हो जाता है। बस यही कारण है तेल का। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। हमारी इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।